आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर उसने ये कहा 1905 में कि आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये देखो कहाँ से लेके आया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विच लाइट रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटोन्स, तो ये फोटोन्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। तो उसने ये समझाया इंसिडेंट फोटोन एच न्यू, कुछ जो है ये वर्क फंक्शन में चला जाएगा और कुछ की क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। वेरी फ्यू लेस देन 1% फोटोन्स हुज एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वर्क फंक्शन आर केपेबल ऑफ इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो है नहीं, मैं बोल जरूर रहा हूँ कि 100 फोटोन गिरे 100 इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा होता नहीं है। उसने शुरू में कहा था रेट जो है बड़ा कम होता है, फोटोन ज़्यादा गिरते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम बाहर निकलते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आइंस्टाइन ने यह कहा कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू मैक्स इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये हमने सीखा, यानी कि एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर क्या आएगा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक। अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन बी यूज टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस बंदे ने क्या किया, जो चार लॉज उन्होंने बताए थे अपनी इक्वेशन से चारों को प्रूव कर दिया मैथमेटिकली। तो ये जो इक्वेशन है ये एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, इसमें इंटेंसिटी का लेना देना नहीं है। तो पहला रूल क्या था, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंसिटी। तो इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग मेटल प्लेट पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स का बढ़ना। एज ईच फोटोन इजेक्ट्स ईच इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। वो कह रहा है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है, तो इसलिए नंबर ऑफ जो फोटोन्स हैं जब वो बढ़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इसमें फ्रिक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। और फर्स्ट लॉ भी यही कहता था कि वो आइंस्टाइन कह रहा है कि क्योंकि मेरी एक इक्वेशन एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, तो इसलिए इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स का ज़्यादा होना। सेकेंड लॉ वो कहता था कि अगर फ्रिक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से कम है, तो आइंस्टाइन ने ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशहोल्ड से तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है ही नहीं अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से कम है। ठीक। एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड है तो काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल है, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से बड़ी है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, तो एमिशन होगा। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तीन चीज। चौथा, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। वो कहता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जब फोटोन इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, टक्कर मारते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इसमें टाइम लैग है ही नहीं। तो चारों चीजों को उसने प्रॉपर एक्सप्लेन किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसने सही तरीके से एक्सप्लेन किया मैथमेटिकली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।